सलाम वालेकुम। सुनो ना का कोई जैन इंता मालूम हादा वैन हादा गनम सेल गनम गनम अना ये भी गनम आईवा माफी मालूम। तो जो अरब कंट्री में भाई बकरी चराते हैं और ऊंट चराते हैं उनका सैलरी कितना होता है और वो लोग यहाँ कहाँ रहते हैं और कैसे काम करते हैं तो आप देख सकते हो। सबसे पहले दोस्तों ये जो घर देख रहे हो ये ऐसा घर बना हुआ रहता है और यहाँ पे इस खाली मैदान में यहाँ ये रहते हैं अकेले। सिटी से दोस्तों आउटसाइड में ये लोग रहते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे है। और इस टाइम दोस्तों लगभग है ना अरबी लोग यहाँ पे नहीं है, जो बकरी चराते हैं बकरी का देखभाल करते हैं वो लोग हैं यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा इनके बारे में जानते हैं, इनका सैलरी कितना है और यहाँ पे ये किससे काम करते हैं और कितना घंटे ड्यूटी करते हैं इसके बारे में ज़रूर आपको डिटेल से दोस्तों बताते हैं। दोस्तों जो ये है ना आप देख रहे हो जो हरे कलर का बनाया हुआ है, यहाँ पे इनके अंदर बकरी रहती है। क्योंकि दोस्तों जो मैदान पूरा है ना खाली है, यहाँ पे कोई पेड़ पौधा या कोई घास ऐसा नहीं है जो कि बकरी को दोस्तों खाने को लिए बाहर निकालना पड़े। क्योंकि ये सिटी के नज़दीक एरिया है और यहाँ पे गाड़ियों आती जाती रहती है, इसलिए बकरी पूरी की पूरी दोस्तों बकरी है भेड़ है। ये आपको थोड़ा और जूम करके दिखाते हैं, इसके अंदर रहते हैं ये लोग, यहीं रहते हैं, यहीं अपना गुजारा करते हैं, यहीं खाते हैं और यहीं सोते हैं। इनको दोस्तों कोई भी छुट्टी नहीं है यहाँ पे। अगर वो काम करने आ रहा है बकरी के या मजरे के काम में आ रहे हैं तो उन भाई की कोई भी दोस्तों छुट्टी नहीं है यहाँ पे। 300 दिन काम करना पड़ेगा उनको। जिस दिन छुट्टी मिलेगी, जिस दिन वो अपनी कंट्री जाएंगे, उसी दिन ही वो सिटी का एरिया देखेगा और उसी दिन ही वो उनको देखने को मिलेगा दोस्तों। इस तरह से दोस्तों इनके घर होते हैं, यहाँ पे ये इस तरह से रहते हैं। और आप देख सकते हो ऊपर जो ये पूरी पूरी लाइन गई हुई है, तो ये भी एक आप देखा जाए तो खतरा भी बना हुआ रहता है इनके ऊपर दोस्तों। सलाम वालेकुम। सुनो ना का कोई जैन इनता मालूम हादा वैन हादा गनम सेल गनम गनम अना ये भी गनम आईवा माफी मालूम है ना मकान यानी हादा है ना नफर सेल अना माफी मालूम अना हादा मकान इजी जदीद हादा अव्वल अना कपिल गुल है ना करो अब्दुल्ला मुबारक आउटसाइड फी गनम वाजिद नफर सवी सेल अना ये भी गनम लेकिन 80 90 ओके शुक्रा ना कोई या माशाल्लाह। दोस्तों ये है ना जो बकरी चराने वाले हैं उनके लिए दुकान खोल के रखा है, जो आप देख सकते हो ये गाड़ी में ही दुकान डाला हुआ है किसी अरबी ने और काम करने वाला वहाँ लगाया है और उसका रहने का भी इसके जस्ट पास में ही बनाया हुआ है दोस्तों। तो थोड़ा टाइम नहीं है इसलिए मैं दूर से ही कैमरे में रिकॉर्ड करके आप लोगों को एक जो रियल सच है ना वो आप तक मैं दिखाता हूँ, ताकि दोस्तों आप यहाँ आने से पहले आपको पता रहे कि आपकी लाइफ यहाँ कैसी रहेगी और यहाँ आने के बाद में आपके साथ क्या होता है। तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे इस तरह से काम होता है। दोस्तों अगर जो भाई यहाँ काम करते हैं उनकी सैलरी की बात की जाए ना, तो दोस्तों जो स्टार्टिंग सैलरी होती है नए वर्कर आते हैं उनकी दोस्तों लगभग दोस्तों सैलरी होती है 80-100 से स्टार्ट होती है। और उसके बाद में आपका जो अरबी मिलता है आपका जो वीज़ा लेता है उनके ऊपर डिपेंड रहता है कि वो आपको कितना सैलरी पे करता है। लेकिन दोस्तों अगर 100 KD या 90 KD इनको मिलता है ना, तो जो हम जैसे भाई है जो ड्राइवरिंग का काम करते हैं या सिटी में रहते हैं उनका महीने का आप मान के चलो 5-6 हज़ार रुपये आराम से इजीली खर्चा हो जाता है। लेकिन इन लोगों का
पूरा का पूरा जो 5-6 हज़ार रुपये महीने का जो होता है वो आराम से दोस्तों बच जाता है, और उसमें पूरे के पूरे पैसे ये घर भेज देते हैं।